प्रभात आपको, शुभ प्रभात आपको। डीएलएड 2019 के सेकंड सेम के जो बच्चे हैं, मैं प्रशांत कुमार, डॉक्टर प्रशांत कुमार, यहाँ पर मैंने आपको पिछले अध्यायों में मैंने आपको यह बताया था कि आपके चारण जो है दोष के कितने प्रकार होते हैं, और मतलब प्रकारों के साथ साथ चारणों के जो वजह जो हैं उनके प्रमुख जो पॉइंट हैं आपके, तो वो मैं बताऊंगा आज आपको, है ना। तो क्या है चारण दोष के कारणों के बारे में पता हम करते हैं। तो हम सबसे पहला जो चारण दोष का जो वजह जो आपकी मानी जाती है भौगोलिक कारण, है ना, और भौगोलिक के बाद आपका है अशुद्ध चारण, अशुद्ध चारण। अच्छा, नंबर आपका आता है तीन, तीन नंबर पे है आपका बलागात से परिचित न होना। तो आज हमने आपको ये जो थे वजह जो है इसकी तो बच्चों ऐसा है कि आज हम आपको बताएंगे कि चारण के जो प्रकार होते हैं, जो बातें होती हैं उच्चारण के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट जो मैंने आपको दिया है वह है आपका भौगोलिक आपके कारण, है ना। तो ये क्या है कि जब हम किसी भी हिंदी भाषा की बात करें, कोई भी और भाषाएं जो हैं अपने यहाँ पर, वह भाषाओं के चारण में भौगोलिक से मतलब है कि जहाँ वह व्यक्ति जो कि किसी भी भाषा को किसी भी भाषा में अगर वह बोल रहा है, बातें हो रही हैं, तो वह जिस जहाँ उसका गांव है, जिस जगह भाई उसका शहर है, तो वहाँ के भौगोलिकता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि वहाँ पर अगर हॉटनेस बहुत हो, मतलब मौसम वहाँ का बहुत ही गर्म होता हो, है ना, वहाँ पर बहुत आपके बारिश होती हो, बहुत ज़्यादा बालू हो, है ना। तो जैसा जैसा आपका शहर होता है, गांव होता है, और जिस प्रदेश में आप होते हैं, तो वह प्रदेश की वातावरण, वहाँ का मौसम, वहाँ की वायु, भोजन से भी बहुत ज़्यादा बोलने का जो ढंग होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, और पहाड़ियों की अगर हम आपसे वो करें बात करें, जहाँ पर आपके पहाड़ी आपके वो हैं, तो पहाड़ियों पे क्या होता है कि पहाड़ी जो होते हैं, पहाड़ी और जो यहाँ की बात करें, तो यह जो मैनपुरी जो है आपका एटा जो है, ये बिल्कुल मैदानी है, ये भाग यहाँ पर पहाड़ नहीं है, दूर दूर तक पहाड़ नहीं है, है ना। तो पहाड़ियों का और जो लोग बिल्कुल एक मैदानी भाग के हो, तो
पहाड़ी और मैदानी भागों के जो भी व्यक्ति होंगे उन दोनों के उच्चारण में जरूर कुछ ना कुछ फर्क होगा। अच्छा, और कहा भी जाएगा कि देव भाषा अपनी मातृभाषा जो है अपनी हिंदी जो है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि प्रारंभ में जब बालक पहली में होता है दूसरी में होता है तब क्या होता है कि प्रारंभ में बालक को हिंदी के जो वर्ण हैं, हिंदी के जो साउंड हैं, उनको कैसे कहा जाए, कैसे उनको बोला जाए, यह विषय में बालकों को ज्ञान नहीं दिया जाता है प्रारंभ में, है ना। और जब वह बालकों को प्रारंभ में जब ज्ञान नहीं दिया जाता है तो क्या होती है बात, तो बात यह होती है कि बालक को उच्चारण के बारे में पता नहीं होता है और वह बहुत सी जगह पर पूरी होल टाइम यही बात पर वह विचार करता है और उसको मन में वहम हो जाता है कि वह जा सा रा ई ई बा भा वा है ना पा फा, तो पा कैसे बोलना है, फ कैसे बोलना है, जो ब है वो कैसे बोलना है और जो व है वो कैसे बोलना है ना। तो ये जो बहुत सारे जो वर्णों के बारे में बालकों को जो ज्ञान नहीं होता है तो भी वह शुद्ध उच्चारण का बहुत बड़ा दोष होता है। और उच्चारण दोषों से बालकों को बचाने के लिए प्रारंभ से ही बालकों को यह ज्ञान दिया जाना चाहिए कि वह कौन से वर्ण को उन्हें कैसे बोलना है। ठीक है, पॉइंट नंबर आपका आता है तो शुद्ध चरण अशुद्ध। अच्छा, तो से पहले जो वाला जो मैंने कुछ पॉइंट बताया था आपको भौगोलिक वाला, वह पॉइंट था कि बिल्कुल वही पॉइंट से सेम मिलता हुआ यह पॉइंट भी है कि जब बालकों को प्रारंभ में ही हम सही ज्ञान वर्णों के बारे में साउंड के बारे में नहीं देंगे तो बालक पूरी होल लाइफ शुद्ध ही बोलता रहेगा, कभी सही नहीं बोल पाएगा, है ना। तो शुद्ध उच्चारण का जो मुख्य जो वजह है वह है कि यदि प्राध्यापक मैं ही हूँ, अगर मैं ही स्वयं आपको सही नहीं बोलकर बता पाऊंगा तो स्वयं नहीं मगर मैं बोल पाता हूं तो मुझसे ज्ञान प्राप्त करके तुम लोग भी सही नहीं बोल पाओगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए जो भी प्राध्यापक हो वह बिल्कुल सही सही वर्णों को जहां से उनको कहना चाहिए वहीं से उसको बोले। अगर प्राध्यापक सही वर्णों को बोलेगा तो प्राध्यापक को बोलते हुए देख करके बालक भी सही जो शब्दों को बोलना प्रारंभ देंगे कर। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर आपका 3 है बालाघात से परिचित होना अपरिचित होना। सॉरी, मैंने इसमें आपका परिचित डाल दिया, यहां पर आएगा अपरिचित होना। तो क्या है ये बालाघात से कि हिंदी में जब हम कोई बात के बनाते हैं और बात के बनाने के समय पर बालाघात का भी बहुत महत्व होता है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किस कौन सा वह शब्द है जहां पर हमको बल देना है यह जानना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब मैं आपको सोदाहरण के तौर पर बताऊं। अब जैसे वाक्य है कि श्याम ने तुमको पीटा, है ना, श्याम ने तुमको पीटा, तो प्रस्तुत वाक्य में क्या है कि श्याम पर बल देने पर, श्याम पर अगर हम ज्यादा बल देंगे तो क्या है कि श्याम
दंडनीय है, अपराधी है। यह चीज का आपको ज्ञान होता है कि श्याम ने जो कार्य किया है वह सही कार्य नहीं है। तो और अगर हम तुमको पर बल दें कि श्याम ने तुमको पीटा, तुमको है ना, तो क्या है कि अगर हम तुमको पर अपने बल का प्रयोग करते हैं, फोर्स का प्रयोग करते हैं, तो यह चीज सामने आती है कि तुम तो वैसे ही बहुत ही बलशाली हो, प्रभावशाली हो, तेज हो, तो कैसे श्याम ने तुमको पीट दिया। तो इस तरह है हाँ, तो इन दोनों वाक्यों पर हमने जब श्याम पर दिया बल, तो हमने जाना कि श्याम एक अपराधी है, और अगर हमने तुमको पर बल दिया तो हमने जाना कि तुम एक साहसी बालक थे, लेकिन तुम पर कैसे श्याम ने पीट दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये था कि बलाघात से परिचित होना। बलाघात से मतलब है कि हम जब कोई वाक्य बोल रहे हैं तो हमें कौन सा वर्ण पे, कौन से आपके शब्द पर ज्यादा बल का प्रयोग हमको करना है, वह बालकों को ज्ञान नहीं होता। तो हम बलाघात से परिचित जब नहीं होते हैं तब भी उच्चारण दोष का एक मुख्य कारण बनता है। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका आता है 4। पॉइंट नंबर आपका 4 आता है अति का ज्ञान न होना। और गति का ज्ञान के बाद में 5वां जो आपका पॉइंट आता है वह है शारीरिक दोष। अच्छा, पॉइंट 5वें की अगर हम बात करें तो 5वां है आपकी हीन भावना। और पॉइंट नंबर 6 है भय। तो ये क्या था कि बालकों को ज्ञान देते समय सही प्रकार से, सही मात्रा में बलाघात का, और उनको कैसे कैसे वह शब्दों को, वाक्यों को बोलना है, यह उनको ज्ञान नहीं दिया जाता। तो वह क्या करते हैं कि जब वह बोलते हैं तो उच्चारण में किस वर्ण का साउंड हो, आपकी आवाज जो है आपकी, वह कभी कभी बालक सही नहीं पाते उसको बोल। अच्छा, और अतः वे उच्चारण के समय पर साउंड को कभी तेज, कभी फास्ट, कभी स्लो, मतलब कभी बहुत ही ज्यादा तेज गति से बात करते हैं, कभी बहुत ही धीमी गति से, तो कभी बहुत ज्यादा तीव्र गति से। अब जैसे पहला वाक्य है, फर्स्ट आपका वाक्य आपका रोको मत जाने दो, और दूसरा भी बात यही है रोको मत जाने दो, है ना। लेकिन पहले वाले वाक्य में आपके रोको के बाद हमने लगा दिया आपका रामचंद्र, और दूसरे वाले वाक्य में हमने क्या या क्या के आपके रोको के बाद लगा दिया। तो हमने इन विराम चिन्हों के समुचित प्रयोग से एक ही वाक्य के दो दो अर्थ हमने आपको सौंप दिए, है ना। तो प्रयुक्त दोनों वाक्यों में अगर हम उसके बोलने का जो ढंग है,
रोको मत, जाने दो। तो यहां पर हम पहले बात में देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति जा रहा है हम उसको वहीं के स्टॉप कर दें, उसको हम ना जाने दें। अच्छा, और अगर हमने इस वाक्य को यूं कहा, रोको मत जाने दो, तो क्या है कि हमको उस व्यक्ति को स्टॉप नहीं करना है, जाने देना है। तो क्या कहता है कि कोई, तो यहां पर दोनों ही बातों में अगर हम विराम आपके जो चिन्ह आपके हैं, सिंबल्स जो हैं आपके, अगर हम आपके विराम आपके चिन्हों के बारे में समुचित अगर हम ज्ञान हमको नहीं होता है तो भी उच्चारण दोष बहुत अधिक सामने दिखाई पड़ता है। अच्छा, पांचवा आपका शारीरिक दोष। शारीरिक दोष है कि जिन बालकों में कोई भी शारीरिक दोष हो तो भी वह उच्चारण दोष से हो सकते हैं, और बालक का वाचन दोष, और वह उस वाचन दोष के बारे में उसको ज्ञान ना हो तो भी वह सही नहीं बोल पाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर वह बालक में आपका कोई वाक दोष भी है, वाक दोष आपका होता है हकलाना, जो कि 100 में से 85% यह प्रॉब्लम हमारे भी है ना। परंतु हकलाने वाला जो व्यक्ति है उसका चारण बिल्कुल होगा सही, मगर अगर वह व्यक्ति तुतलाता है, पापो पा बोलता है, ज्यादातर टी आपकी बोलता है, और जब और बच्चा कभी कभी तो प्यार में भी सही नहीं बोलता है, ता जो होता है आपका ताज वर्ण का प्रयोग वह बहुत अत्यधिक करता है। तो अगर बालक में कोई वाक दोष भी है, तुतलाना कलाना जैसे भी वाक दोष है, और उसको फालिज हो गया हो, फालिज मार गया हो, तो भी उसको बोलने में शुद्ध उच्चारण में उसको वह सही नहीं बोल पाएगा। अच्छा, नंबर आपका आता है 6, और 6 वाला है कि अगर बालक के मन में यह हीन भावना से, मतलब है कि वह भावना जो बालक को किसी भी के सामने बोलने से दूर करती है, वह बालक के मन में ये चीज प्रत्येक समय घूमती है कि मैं दूसरे बालकों की जितना तेज नहीं हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं अगर मैंने बोलना किया शुरू तो लोग मेरी रजाक बनाएंगे, सी बनाएंगे, है ना। तो भी बालक ज्यादातर अपने दोस्त तो कि हंसी से भय आ करके और भी कई सारी भावनाओं का शिकार होकर के भी वह सही वर्णों को नहीं बोल पाता है। 7वां जो आपका जो कारण है वह है आपका भय। अब बात क्या है कि अगर बालक के मन में भय है, अगर बालक को अपने प्राध्यापक से भय है, अगर बालक अपने टीचर से डरता है या अपने पिता से या किसी भी व्यक्ति से उसको डर लगता है, तो भी वह उस भय के कारण शुद्ध नहीं बोल पाता है। कभी तो वह पहली बात तो वो बोलता ही नहीं है, और अगर वह बोलता भी है तो भय का जो भावना जो होती है, भय के भावना की वजह से उसका जो बीपी है वह डाउन हो जाता है, और जिस दम जिस बल से जिस प्रकार से वाणी से आपके वर्ड बाहर होने चाहिए वैसा वह नहीं पाता कर, और वह सही नहीं बोल पाता, उच्चारण में उसके तभी दिक्कत आती है। और आपका 8वां है। 8वां जो आपका कारण है आठवां आपका जो
कारण है बालक का शर्मिला। और तो क्या था कि पॉइंट आपका आठवां है शर्मिला, पॉइंट नंबर आपका नौ है पुस्तक दोष, और पॉइंट नंबर आपका नौ है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, और दोष नंबर आपका दसवां, अरे सॉरी ये था आपका पॉइंट नंबर दस, और यहां पर आपका आएगा पॉइंट नंबर ग्यारह ज्ञान अज्ञान का, है ना। फिर आपका चलो मैं काम करता हूं, पहले ये वाला पे बात। अच्छा, बहुत से बालकों के भीतर ये होता है शर्मिला होता है अपन, वह किसी के भी सामने बोलने से हिचकिचाते हैं, और अपने उस शर्मीलेपन की वजह से भी वह सही नहीं बोल पाते हैं। उनके मन में यह भय होता है कि हमारा उपहास बनाया जाएगा, मजाक बनेगा, और यही चक्कर में वह सही नहीं बोल पाते। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है कि बच्चे को के मन में अगर ये वाले भाव पैदा होते हों तो। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका नौ है पुस्तक दोष। पुस्तक दोष से मतलब है कि हम जो पुस्तक को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक में ही कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, बर्तनी में दोष है, तो भी पुस्तक के प्रिंटिंग दोष की वजह से, मिस्टेक्स की वजह से, टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से भी बालकों को सही उच्चारण का प्रयोग बालक नहीं पाते हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका होता है 10, जो कि आपका है ग्रामीण भाषा का प्रभाव। यहां पर क्या है कि भारत में तो आप लोगों को यह पता ही है कि बहुत सारी भाषाएं हैं, भाषाओं के साथ में भाषाओं के साथ में यहां पर कई सारी बोलियां हैं, बोलियों के बाद आप उप बोलियां हैं, तो कई सारी बोलियां होने के चक्कर में भी बालक को शुद्ध उच्चारण का सामना करना पड़ता है वह बालक। अब जैसे पंजाबी, बंगाली, दूसरी भाषाओं के उच्चारण के प्रभाव के कारण भी हिंदी भाषा में उच्चारण का दोष आता है। पंजाबी में सामने देख करके कहा जाता है, और बंगाली भाषा में ओकारांत का प्रयोग किया जाता है, वहां पर ओ शब्द है बड़ा ओ, लेकिन जो आपके जो और जो पहली जो दुनिया है अ, वह शब्द वहां पर वर्ण वहां पर वह है ही नहीं, तो वहां पर अगर बंगाली कुछ भी बोलेगा तो वो ओ का उच्चारण करेगा, ओ रोशो ला, है ना। तो आप ये देखेंगे कि उच्चारण मतलब ग्रामीण भाषाओं के चक्कर में भी, गांव की भाषाओं के चक्कर में भी बालक शुद्ध ही बोलता है। अब जैसे आप ही जानिए कि आपके गांव में कोई बालक को नाम उसका राम है ना, और जब वह बालक को उसके दोस्त, उसके गांव वाले पड़ोसी अड़ोसी गांव में उसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ओरे रमुआ, है ना। तो ये क्या है कि हम जब किसी भी भाषा में अपने गांव की भाषा को जोड़ लेते हैं तब भी वह हम उसको सही नहीं उच्चारण पाते हैं उसका कर, और वह दोषपूर्ण ही उच्चारण होता है। अच्छा, आपका अज्ञानता,
ये तो मतलब वही बात है, अज्ञानता से मतलब है कि अगर बालक को पहले से ही ज्ञान ना ये दिया जाए, उसको ये ना बताया जाए कि कौन सा वर्ण आपका किस भाषा में कैसे बोलना है, तो भी आपके बालक को सही शब्द बोलने में दिक्कत होगी। तो ये भी है कि बालक को सबसे पहले तो भाषा का पूर्ण ज्ञान उसको उसके प्राध्यापक द्वारा, फैमिली द्वारा और जितने भी लोगों से वह परिचित है, जो जो मिलने वाले हैं, उसके संपर्क के लोग हैं, वह सभी लोगों को शुद्ध ही बोलना चाहिए ताकि बालक भी बिल्कुल शुद्ध ही बोल सके। और अंतिम आपका पॉइंट है, अंतिम पॉइंट आपका पॉइंट नंबर आपका 12। पॉइंट नंबर 12 कहता है उच्चारण कृत्यों का ज्ञान न होना। ये बात क्या है कि सबसे पहले बालकों को उच्चारण तत्वों का कि कैसे कैसे मतलब ध्वनि व्यवस्था जो उसकी बलाघा विराम चिन्ह है ना, इन सभी के बारे में बालकों को पता नहीं होता है तो भी छात्र बिल्कुल सही नहीं बोलते हैं। जैसे 43 को 43 या 43 है ना, बोलने की जो मिस्टेक्स जो होती हैं, जो आपकी गलतियां होती हैं, तो उच्चारण के ही द्वारा उन सभी गलतियों को किया जाता है ना। तो ये बहुत से कुछ वो थे, पॉइंट थे उच्चारण दोष के होने के, वो आज हम आपको बता दिए हैं सभी। और यहाँ पर अगर आपको इन उच्चारण दोषों में किसी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं अपनी किसी भी प्रकार की दिक्कत को। तो आज का जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है, उच्चारण दो दोष के कितने कारण होते हैं, 12 होते हैं, भौगोलिक अशुद्ध उच्चारण, बलाघात वगैरह और शारीरिक दोष, हीन भावना, भय, संकोच, अज्ञानता, ये कुछ 12 विचार थे जो आपको बता दिए। मैं डॉक्टर प्रशांत देव जो आपसे इजाज़त मांगता हूँ, बहुत ही शीघ्र मैं आपको अब दूसरी वीडियो के माध्यम से कि उच्चारण के दोषों को कैसे किया जाए ठीक, तो ये वाले विषय पर हमारी होगी बात। अब तक आप लोग अपना जो कार्य है वह अपना कार्य करें, सेफ रहें और बिल्कुल मस्त रहें। बी केयरफुल फॉर यू, बाय। तो फिर हम आपको बाकी उच्चारण के जो है बारे में आपको हम क्लास का जब भी होगा समय मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान दें और पुस्तकों पर अपनी देखभाल बनाए रखें। बहुत बहुत आभार आपका बच्चों।